हेलो फ्रेंड्स, विजयास क्रिएटिव गार्डन में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार के प्लास्टिक के पॉट्स, कंटेनर, गमले या फिर प्लास्टिक के बैग्स हम लोग अपनी गार्डनिंग में या फिर घर में यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ कर भी सकते हैं कि नहीं, ये सवाल अक्सर बहुतों के मन में आता है। आजकल प्लास्टिक ज़िंदगी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बनती जा रही है। मार्केट से जो भी सामान हम लोग ले कर के आते हैं, अधिकतर सामान इन्हीं सब कंटेनर्स में आता है। सामान खाली हो जाने के बाद हम लोग जो हैं ये कंटेनर्स को एज अ फूड कंटेनर यूज़ कर लेते हैं या फिर गार्डनिंग में कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके के प्लास्टिक कंटेनर्स को हम लोग एज अ फूड कंटेनर या फिर गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं, और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप वो प्लास्टिक यूज़ कर रहे हो जो कि इस्तेमाल करने लायक नहीं है, तो कैसे आप अपनी हेल्थ को बिना नुकसान पहुंचाए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक को उसकी क्वालिटी के आधार पर 7 भागों में बांटा गया है। जिस भी प्लास्टिक के सामान में इस तरीके के 3 एरो वाला ट्रायंगल बना हुआ है, उसका मतलब होता है वो प्लास्टिक रिसाइकिल हो सकती है, यानी कि दोबारा उसको गला करके कोई भी रूप दिया जा सकता है। ये निशान अक्सर हम लोग को किसी भी कंटेनर में नीचे की तरफ मिलता है। ये देखिए, इसमें नीचे की साइड में मिलेगा, बेस में। दोस्तों, अक्सर जो है इसी रिसाइकिल के निशान के अंदर नंबर्स लिखे रहते हैं। ये मेन नंबर्स होते हैं 1 से लेकर के 7 तक। इन सभी नंबरों की खास इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व होता है। ये नंबर किसी भी डिब्बे या फिर बोतल, अक्सर पानी पीने वाली बोतल में भी अक्सर नीचे की साइड में लिखे रहते हैं, और प्लास्टिक बैग्स में भी कई बार प्रिंट होते हैं ये नंबर, लेकिन हर बार नहीं होते हैं। अधिकतर किसी भी अच्छी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट आप लोगे तो उसमें ये नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे। आप चाहे तो वीडियो को एक बार रोक करके अपने यहाँ के कुछ हैं जैम और जेली की बॉटल्स हैं, अचार की जो बॉटल्स प्लास्टिक की मार्केट से आती हैं, वो कॉस्मेटिक के डिब्बे, शैम्पू की बॉटल्स, इन सबको उठा करके एक बार नीचे की तरफ से देखो, आपको ये नंबर वहाँ पर ज़रूर मिलेंगे। ये रिसाइकिल के निशान के अंदर मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये नंबर ऐसे हैं जैसे सब ट्रायंगल के अंदर 1, 2, 3, 4 करके 7 तक। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 की। उसका नंबर में उसमें लिखा होता है PET पेट, यानी कि पॉलीप्रोपिलीन टेराफ्थलेट। फ्रेंड्स, ये जो है अच्छी क्वालिटी की रिसाइकिल प्लास्टिक है। इसमें जो है अधिकतर फूड आइटम्स जो हैं बाज़ार से आते हैं। इसमें जो है अच्छी मतलब क्वालिटी रहती है, स्मेल वगैरह प्लास्टिक की बिल्कुल नहीं आती है। देखिए, इसमें भी बेस में आपको निशान दिख रहा होगा, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है तो इसलिए बहुत क्लियर नहीं हो रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ दिखाने की। दोस्तों, इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि ये जो प्लास्टिक है ये बहुत अधिक गर्म या फिर लाइट को, तेज लाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अधिक गर्म पानी है या फिर तेल है, ये सब पड़ जाने से ये प्लास्टिक जो है मुड़ जाती है जो है, तो ये इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये गार्डनिंग के लिए बहुत ठीक नहीं रहती है, क्योंकि गार्डनिंग में अधिकतर प्लांट्स हम लोग फुल सनलाइट में या अधिक तेज़ रोशनी में लगाते हैं, तो इस तरीके की प्लास्टिक में जो है वो प्लास्टिक जो है ख़राब हो जाएगी और उसके केमिकल्स जो हैं वो सॉइल में उतर आएंगे। लेकिन हाँ, आप उन प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकते हो जो कि आपको अधिक तेज़ रोशनी में ना रखना हो। देखिए, इसमें भी आपको पेट का वो निशान दिख रहा होगा लिखा हुआ। इसलिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि इस तरह की प्लास्टिक में लग तो सकते हैं प्लांट्स, लेकिन तेज रोशनी में या सनलाइट में मत लगाइएगा। सेकेंड टाइप की प्लास्टिक आती है HDPE, यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीप्रोपिलीन। इस तरह की जो प्लास्टिक है इसमें अक्सर दवाइयाँ, कॉस्मेटिक आदि का सामान आता है। ये एक अच्छी प्लास्टिक मानी जाती है। इसमें आपको दिख रहा होगा क्लियर बिल्कुल। इसमें जो है पॉलीथीन बैग्स जो आते हैं, जो थोड़े मोटे मोटे चिकने जैसे आटे वगैरह के जो पॉलीथीन बैग्स आते हैं वो हैं, या दूध के जो पैकेट्स आते हैं वो इस प्लास्टिक के रहते हैं। इस तरीके की जो प्लास्टिक होती है वो यूवी रेज जो सन की रहती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, उससे भी बचाव करती हैं। अगर आप इसमें प्लांट वगैरह लगाओगे
तो सन की अल्ट्रावायलेट रेज नहीं रहेंगी। तो इसको आप खाने में भी बहुत अच्छे से, मतलब खाने का सामान भी इसमें आप रख सकते हो अच्छी तरीके से, और पौधा लगाने के लिए भी ठीक है, कोई भी नुकसान नहीं होगा। थर्ड प्रकार की जो आती है प्लास्टिक, उसमें जो है एरो के अंदर 3 लिखा होता है, नीचे वी, वी का इसको जो है पीवीसी भी कहते हैं। इसमें जो है ये ड्रेनेज जो पाइप होता है इसका, ये वाली प्लास्टिक है। आजकल लोग इस पाइप को कटवा करके टेरेस में, बालकनी में, प्लांटर के रूप में यूज़ करते हैं, या फिर वर्टिकल गार्डन के रूप में भी यूज़ कर रहे हैं। हाइड्रोपोनिक्स में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, ये पीवीसी यानी कि पॉली वाइनल क्लोराइड बहुत ही टॉक्सिक जहरीला पदार्थ है। इसमें जो है हार्मफुल केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि हम सबकी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक हैं। पीवीसी जो है वो समय के साथ साथ सूरज की रोशनी पड़ते पड़ते भुरभुरा सा, ब्रिटल सा होकर के, चूरा चूरा होकर के मिट्टी में मिल जाता है। और जो इसके जो छोटे छोटे कण होते हैं वो प्लांट की जड़ें उनको खींच लेती हैं अपने अंदर। अगर वो प्लांट के जो फ्रूट हैं या फिर लीव्स हैं हम लोग खाएंगे तो वो हम लोग के भी अंदर चली जाएगी, और वो जो है अंदर हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां पैदा कर देंगी, जैसे कि इससे ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, एस्थमा, डायबिटीज़, ओबेसिटी आदि। इसलिए फ्रेंड्स, इस तो 3 नंबर की जो प्लास्टिक है इसका कोई भी सामान खाने पीने के लिए या फिर प्लांट लगाने के लिए इस्तेमाल ना करें। 4th नंबर की जो प्लास्टिक है वो LDPE है, उसमें लिखा रहता है मेरे पास उसका कोई कंटेनर इस समय नहीं है। इसका मतलब होता है लो डेंसिटी पॉलीप्रोपिलीन। इसमें भी जो है फूड कंटेनर्स, बैग्स या माइक्रोवेव के जो बॉक्सेस होते हैं वो आते हैं। ये बिल्कुल सेफ है, आप अपने गार्डनिंग में बिना डरे इसको यूज़ कर सकते हो, खाने पीने में भी रख सामान रख सकते हो। 5th नंबर की प्लास्टिक है PP यानी कि पॉलीप्रोपिलीन, ये भी बहुत अच्छी मानी जाती है। इससे भी जो है अक्सर ये कंटेनर्स रहते हैं या मार्केट में जो कोई सूखा सामान मिलता है प्लास्टिक के डिब्बों के अंदर, वो अक्सर जो है इसके अंदर मिलता है। इससे जो है फूड कंटेनर्स, बॉटल के ढक्कन जो होते हैं, स्ट्रॉ पाइप्स, प्लास्टिक के चम्मच जो थोड़े अच्छी क्वालिटी के रहते हैं, वो सब इसी से बनते हैं। ये बिल्कुल सेफ है, आप अपने इसको गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हो। और आजकल जो अधिकतर प्लांट वो मिल रहे हैं, गमले मिल रहे हैं, वो उसी प्लास्टिक के मिल रहे हैं 5 नंबर के। 6 नंबर की प्लास्टिक है PS यानी कि पॉलीस्टायरीन। ये थर्मोकोल के जो कप हैं, ग्लासेस हैं, ये यूज एंड थ्रो वाली चीज़ें आती हैं, वो इसी से बनी रहती हैं। ये जो पॉलीप्रोपिलीन रहता है उसी में हवा भर के जब फुला दिया जाता है तब ये बन जाते हैं। वैसे जो है खाने के आइटम जो हैं आजकल जो है सबसे ज़्यादा इसी में यूज़ हो रहा है, इसका 6 नंबर आपको दिख रहा होगा। इसको आप गार्डनिंग में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा हल्का होता है, ये सॉइल का वेट सहन नहीं होगा, वैसे स्टडी इस पर चल रही है। 7th नंबर के प्लास्टिक में फ्रेंड्स वो सारे कंपाउंड आते हैं जो कि अभी तक 1 से 6 तक में नहीं था, अभी तक नहीं पता लग पाया है कि ये सुटेबल है कि नहीं है, और अधिकतर लोग तो वैसे कह रहे हैं कि ये सुटेबल नहीं है। और फ्रेंड्स, इन सब के सिवाय भी और भी नई नई कोडिंग आजकल आती जा रही है, नए नए तरीके के प्लास्टिक बनते जा रहे हैं जो कि समय आने पर और उसके बारे में पता लगेगा। इस तरीके से हम इन शॉर्ट में ये आपको बता सकते हैं कि आपको जो है 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के प्लास्टिक के जो कंटेनर्स हैं आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हो, और जो 1 नंबर है और 6 नंबर है वो ठीक ठाक है, ओके है, चलता रहेगा, क्योंकि 1 नंबर पेट वाला है वो सनलाइट में ख़राब हो जाता है, और 6 नंबर थर्मोकोल के हैं वो बहुत हल्के रहते हैं। लेकिन 3 नंबर और 7 नंबर को जहाँ तक है बिल्कुल यूज़ ना करें गार्डनिंग में, अवॉइड करें, और प्लांट तो बिल्कुल ना लगाएं, ना ही खाने का आइटम रखें, उसको पानी देने में, भरने में यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसी आपकी इच्छा। अगर आपको ज़रूरत पड़ने पर ये सब यूज़ भी करना पड़ गया तो कोशिश करिए 3 और 4 वाला जो प्लास्टिक है उसमें, ये वाली देखिए 5 नंबर की, गमले आजकल इसी से बने रहते हैं 5 नंबर वाली से, तो उसमें आप जो है खाने वाली सब्जियाँ बिल्कुल ना लगाएं,
क्योंकि खाने वाली सब्जियों से कहीं ना कहीं जो वो केमिकल है वो खींच करके इनडायरेक्टली हमारे शरीर में पहुंच ही जाएगा, जो कि बहुत हार्मफुल है। इस उस वाली तरह की प्लास्टिक में आप जो है फूल पत्तियां लगा सकते हैं। फूल वगैरह से इतना कोई नुकसान नहीं, क्योंकि वो बस सामने ही रहता है, हम लोग की बॉडी के अंदर नहीं जा सकता है। दोस्तों ये तो मेरे डिसीजन थे, आखिरी चॉइस आपकी है। मेरे ख्याल से हेल्थ से बढ़ कर के कुछ नहीं है। अगर है उम्मीद है दोस्तों पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक पर हिट कर देना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।